सो हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज मैं हूँ बनारस में और ये मेरे अजीज दोस्त शिव। 6 साल पहले लगभग ऐसे ही एक वीडियो बना था कचौड़ी गली करके, और आज 6 साल बाद भी हम लोग अभी वहीं पे हैं। हल्का फुल्का सुधार आया है, लेकिन हाँ अब नए तरीके से वीडियो बनेगा। सो मिलते हैं बनारस की इस नए यात्रा में। ताकि पहले ग्रेजुएशन कर रहे थे, अब पीएचडी कर चुके हैं वीडियो बनाकर। ये हमारे साथ दो साथी, एक ये शिव और ये शुभम। बाईस के आ गया, 3 बजा रहा है। बाईस फट रहा है। तो अभी ये पहुंच गए हैं। ये घाट किनारे का एक ये होटल है, बहुत फेमस। यहाँ पे पार्किंग के लिए अच्छी व्यवस्था है, लगभग इसलिए चले आए। तो ये लगभग 6 सालों बाद मेरे इधर आना हो रहा है, वो भी अपने अजीज मित्रों के साथ। कौन है क्या इधर? शिव। और इधर शुभम। हे हाय। देखो, अगर आप हमको देख रहे हो ना, अगर हम वीडियो में आ रहे हैं ना, तो आपको हंसी जरूर आएगा, चाहे हम कुछ बकचोदी करें ना करें, ठीक है? सो ये घाट किनारे में ये पहले नहीं बना हुआ था, लगभग 6 साल पहले जब मैं था, लेकिन ये बहुत अच्छा है। इसमें सारे जितने 80 घाट हैं लगभग, तो उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। और ये नदी का किनारा, जो कि इस समय पे बरसात का सीज़न चल रहा है, जिस कारण नदी थोड़ा सा और लेवल ऊपर होगा, अभी तो फ़िलहाल इतना ही है। और ये 80 घाट, मतलब उधर एक है घाट, 80 घाट, ये पूरा ही रीजन बोला जाता है। यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ अभी हो जाएगी कुछ देर तक, क्योंकि आज 14 अगस्त है। वैसे ये जो है इधर तुलसी घाट और इधर पूरा नज़ारा है, उधर तो हम लोग अभी चलेंगे अभी नाव से। गाइस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हमारे दो दोस्त बैठ के बकचोदी कर रहे हैं। एक आया हुआ है मध्य प्रदेश से, एक बिहार से, और जो बोल रहा है ना वो बनारसी है। और पीछे दो दर्शक, 3-4 दर्शक हैं जो हट नहीं रहे हैं। अरे हटिया जी, सब्सक्राइब माय चैनल। पचास ले लेते हैं महाराज, 50 बाहर के टाइम में कुछ तो कम कर लेते हैं। चलो, अपनी नाव के जुगाड़ तो हो गया, अभी शुभम ने करवा दिया। चला जाए ना। देखना कितना बस आतंकवादियों से खतरा है, इसीलिए बुलेट प्रूफ जैकेट की बहुत जरूरत है। इनको तैरना तक नहीं आता। अच्छा, इसको बांधना तक नहीं आता, क्या देश बचेगा? पहनना सीखना पड़ेगा उसको, बटन दबाइए। उल्टा पहन लिया, सोचो सीने में गोली लग जाएगी। ये बच्चा पीछे रह गया था। हाय गाइस, हाय गाइस, गाइस आज पाकिस्तान दिवस है। पाकिस्तान को आज इंडिपेंडेंस डे मिला था, तो आज देश को बहुत ज़्यादा खतरा है। तो ये जो सीने पर देख रहे हैं आप बुलेट प्रूफ जैकेट, तो ये उसी का है। आज हम लोग सिंध के रास्ते से होकर पाकिस्तान जा रहे हैं, ठीक है? और ये हमारे फड़वा भाई, जुड़वा भाई, इसको काट देना। ये हमारा आगे आगे
तो आज हम लोग जा रहे हैं युद्ध लड़ने। क्या मोबाइल से देख के बनाएंगे आप? क्या मोबाइल से देख के बनाएंगे आप? देखिए ना उसको, उनको देखिए कैसे बना रहे हैं। सो गाइस आज हम चाय बनाना सिखाएंगे। ये हमारे सहयोगी जी हैं। ये क्या नाम है आपका? मुझे पता, नाम भी नहीं पता। जी आप कितने बिजी इंसान है, हमें अपने सहयोगी का नाम अभी बता दिए। कार लेके लिए क्या करेंगे पहले? ऐसे नहीं काटते, खड़े हो जाइए भाई साहब कैमरा वाले। ऐसे नहीं काटते, ये मशीन से नहीं काटते, ऐसे दांत से काटते हैं, ऐसे जूस लेते हैं उसको, फिर जूस को सही गिलास में। समझ भावना समझ। हम यही सब देख, हमारी मम्मी हमारी शादी नहीं कर रही। वैसे बकचोदी करते रहेंगे। हां तो ये नाव में हम लोग बैठ चुके थे और उसके बाद यहाँ से जाने की तैयारी थी। ये घाट का नज़ारा है और ये 80 घाट की फेमस मंदिर है शिव जी की है। ये जिधर भी नज़र जा रही है अभी फिलहाल तो पानी दिख रहा है, लेकिन उधर साइड बालू रहता है, इस साइड बालू दिखता है। और अब ये दूर से नज़ारा, हालांकि मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आवाज़ इतनी अच्छी नहीं थी। सो ये वाटर लेवल और चेक करने के लिए होता है और जनरली वाटर भी इधर से सप्लाई होता है शहर के लिए। ये खूबसूरत नज़ारा जो मतलब शायद मैं अपने वीडियो में उतना कैप्चर ना कर पाऊँ, लेकिन वाकई में अगर आप जाएंगे तो वहाँ महसूस कर पाएंगे इसकी खूबसूरती। और ये दशाश्वमेध घाट के आगे के सीन है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जिधर मैं जूम कर रहा हूँ, ये अभी नए जो विश्वनाथ मंदिर है उनके लिए ये नया गेट बना दिया गया है जो कि बहुत भव्य है और बहुत सही है ताकि भीड़ बहुत कंट्रोल में आ जाए। यही द्वार है जहाँ से आप डायरेक्ट विश्वनाथ मंदिर जा सकते हैं। और इसके बगल में जो ये दिख रहा है ये मंदिर, ये है मणिकर्णिका घाट, मतलब कि जो भी दाह संस्कार होता है वो यहीं होता है। और ये मतलब अब यहीं तक नाव वाले ने बोला था तो फिर अब यहाँ से बंगलुरु रवाना हो रहे हैं। यही ये दो घाट हैं बेसिकली जहाँ पे ज़्यादातर ये देश दाह संस्कार होता है, एक मणिकर्णिका घाट और एक हरिश्चंद्र घाट। तो हरिश्चंद्र घाट आगे है थोड़ा और ये थोड़ा मतलब दशाश्वमेध घाट या विश्वनाथ मंदिर बाबा के पास है। तो ये है तुलसी घाट और इसी बगल में है रीवा घाट। अभी इस तुलसी घाट साइड अभी आएंगे, वहाँ से एक नज़ारा लेंगे तो कि मतलब और अच्छा व्यू दिख सके। और ये लगभग अभी भीड़ जनता इकट्ठा हो रही है। आज 14 अगस्त है तो आज वैसे झंडा फहराया भी जा रहा था, इस कारण यहाँ पे ये अच्छा खासा लोग आए हैं और झंडा फहरा रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे एक शख्स दिखे थे जो कि हल्का अमिताभ बच्चन जैसे लग रहे थे, वो ये हैं। काफ़ी अच्छा था। ये अभी ये 80 घाट जहाँ पे सुबह बनारस का कार्यक्रम होता है वो यही स्टेज है। तो शुभम भाई आज के दिन के बारे में कुछ बताइए। आज 14 अगस्त है, आज हम लोग के छोटे भाई का बर्थडे है पाकिस्तान का, उसी खुशी में हम लोग भारत का झंडा फहरा रहे हैं क्योंकि हम लोग उसे जलते हैं। तो ये इस दुख तकलीफ में हम यहाँ पे आए हुए हैं। इस दुख तकलीफ मिटाने के लिए अब क्या कर सकते हैं? झंडा फहरा सकता हूँ, फहरा रहा हूँ और भूख लगी है, पनीर खा सकता हूँ मैं। अच्छा, इनके लड़कियों को आई लव यू बोल सकता हूँ, चाहे वो रिप्लाई करें ना करें। तो सिर्फ आप आज के दिन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आज के दिन पाकिस्तान बोल रही बाबा, क्या खुशी खुशी भाई अपलोड करना था। हम लोग का जमीन था, हम लोग का जमीन का बंटवारा कर लेके भाग गया जिन्ना जिन्ना। उसे चुल मची थी, वो कहता कि हिंदू और मुस्लिम ऐसे दो पहिए हैं जो एक साथ नहीं रह सकते।
ठीक है, अच्छी बात है, नहीं जा सकते तो तुम काबुल चले जाते। काबुल वो सिंध का स्थान तो हमारा था, कैसे तुमने ले लिया? आज का जो दिवस है उसको बोलते हैं विभाजन स्मृत का दिवस। ठीक है, दर्द है, हमें बंटवारे का दर्द होना भी चाहिए। आज उसका आज वो अपनी आज़ादी का दिवस मना रहा है, रात में हम भी मनाएंगे। खैर, आज़ादी उससे मिली या नहीं मिली, मेन मुद्दा आज़ादी हमारे एक राजनीतिक आज़ादी हमें अंग्रेजों से मिली। आज जब भाजपा सरकार जब थोड़ा सा ही अपने नागरिकों पे उनके अधिकारों को लेकर जब नकेल कस रही है तो हमारी चुल मच जा रही है। सोचिए क्या हाल रहा होगा जब अंग्रेज थे, बोलना गुनाह था, चलना गुनाह था, विरोध करना गुनाह था, तुरंत बांस कर देते थे। उनसे आज़ादी मिलना बहुत बड़ी बात है, जब पूरा का पूरा विश्व का एक तिहाई हिस्सा उनके कब्जे में था और वो हर संभव कोशिश कर रहे थे उसको दबाने के लिए। अंग्रेजों से आज़ादी मिलना बहुत बड़ी बात है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक वाराणसी ब्रांडिंग की गई है, जिसमें एक शॉर्ट तरीके से वाराणसी का अर्थ मीनिंग बताया गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं तुलसी घाट साइड और जो रानी लक्ष्मीबाई जी थी उनकी जन्म स्थान साइड, जो कि जस्ट यहीं घाट के बगल में ही है। ये बनारस की सकरी गलियां, तो यही उनका जन्म स्थान माना जाता है, जहाँ पे ये बोला जाता है शायद इनका जन्म यहीं से हुआ था। और इनका ससुराल तो सभी को पता ही होगा, ये झांसी के राजा के से शादी हुई थी। और ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा सीन है, यहाँ पे उनकी हर चीज़ें दी गई, हिस्टोरिकल सब चीज़ें उनके बारे में बताया गया है। आप चाहें तो इधर आ सकते हैं, यस्सी घाट जस्ट पीछे ही है, ज़्यादा 100-200 मीटर की दूरी पे है, और यहाँ पे आके मतलब यहाँ के बारे में पढ़ सकते हैं। और क्रांति में इस महानायिका को 18 जून 1858 को ग्वालियर के निकट वीर गति प्राप्त हुई। सो अब हम लोग निकल रहे हैं, मतलब जस्ट बगल में ही जाता तो जो मैंने दिखाया था तुलसी घाट साइड चलते हैं। वहाँ पे बैठने के लिए बहुत अच्छा है, ऊपर आप बैठ के पूरा नज़ारा ले सकते हैं। सो ये है तुलसी घाट की सीढ़ियाँ और जस्ट इधर पीछे साइड से हम लोग जा रहे हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो। साइमन गो बैक। अभी लगभग 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं सी घाट पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। और कल 15 अगस्त है तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया और जो आने वाले कुछ दिनों में आएगा ही। और ये अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, काफ़ी अच्छी खासी भीड़ हो चुकी है, भूख भी लगी है, काफ़ी देर से घूम रहे हैं। सो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर जरूर और कमेंट करें। यह है एक अंगठी का मतलब रेस्टोरेंट जो पीछे ही है, मतलब जब जाते समय है, काफ़ी खूबसूरत है, खाना भी बहुत स्वादिष्ट था। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर जाइएगा। अंगीठी है, वह जगह है, आप लोग जाइए तो खाइएगा, उसी के बगल में ही है। हाँ।